अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो सुबह आज बहुत ही धुंध पड़ी, तो अबू जान से साथ जब मैं काम पर गया तो रक्षा अबू जान चला रहे, तो बहुत ही उनको भी मुश्किल हुई रक्षा चलाते वक्त। तो आज हम लेट हो गए थे, उधर गाँव है थोड़ी दूर नकोदर, जिधर हम महफल पर गए थे उधर थोड़े से आगे है मीरपुर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत ही साफ़ सुथरा गांव है। तो उधर हम सामान बेचने गए थे, तो उधर से आते आते हमें अंधेरा भी हो गया और हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी मैं घर पहुंचा हूं और आकर मैंने रोटी वगैरह खाई है। तो अभी मैंने हमारे से सामान बाकी तो मंडी से ले आए थे कल कल, वो अभी लोग अपलोड किया था। तो हमारे पास से गुड़ ख़त्म हो गया था रक्षे से, तो गाहक काफ़ी हमसे गुड़ के काफ़ी हमारे गाहक हैं, ख़रीदार हैं बाहर, तो इसलिए मैंने सोचा कि गुड़ ले आऊँ जल्दी से, तो वो सुबह को फिर मुश्किल नहीं बनेगी और गुड़ लेकर हम काम पर चले जाएंगे सीधे। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुड़ लेने, तो चलते हैं फिर उधर। तो गुड़ लेने मैंने अभी उधर से जाना था, तो मैंने देखा कि फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो फिर काम वगैरह फ़ोन पर ही है सारा। तो इधर मैंने सोचा कि इसको जाते जाते चार्जर लगा दूं, तो आते वक्त थोड़ी बहुत ही इसकी बैटरी हो जाएगी फुल। मैंने उधर आए थे अंकल, मुझे उनकी महफ़िल है इधर, तो हर माह उन्होंने मुझसे नात पढ़वानी होती है उधर, तो इसलिए मैंने उधर भी जाना था महफ़िल पर। तो अभी मैंने जाना है गुड़ लेने, तो मैंने सोचा कि इसको चार्जर पर लगाऊँ, तो अभी लगाते हैं चार्जर पर। ये इधर चार्जर पड़ा हुआ है, ये मिल गया चार्जर, और लगाते हैं अभी। चार्जर लग गया और ये ओहो, ये तो ऐसे बहुत मसला बनेगा, बार बार गिर जा रहा है। देखो इधर से इधर किधर रखें, ये भी इधर भी नहीं ठीक है, ये इधर कर लेता हूँ, ये इधर लग तो गया, जगह इधर से फिर खाली पड़ गई। मामा फिर बोलेंगे कि आपने ये क्या कर दिया, सेटिंग सारी खराब कर दी, इसका क्या हाल हो सकता है यार। इधर से गिर गया तो सारा काम खराब है, फोन भी नहीं चार्ज हो। ऐसा करता हूँ कि एक स्टैंड लेकर आता हूँ, दुकान इधर है हमारे गांव में फोन की, तो उधर से मिल जाए, मिल जाती हैं ऐसी चीजें, तो अभी स्टैंड लेकर आता हूँ फिर वो लगाऊंगा, तो इधर बहुत अच्छा भी लगेगा, तो वो ही करता हूँ इस्तेमाल। बाकी फ़ोन भी लगाने होते हैं, तो बाहर वाले जो स्विच हैं वो थोड़े फ्री हैं, उन पर चार्जर अच्छे तरीके से लगता नहीं है, तो अभी पहले वो स्टैंड ले आते हैं, तो फिर वो लगाएंगे, तो बाकी काम करते हैं बाद में। अस्सलाम वालेकुम, चार्जिंग वाला स्टैंड एक देना, ये स्टैंड मुझे मिल गया है, तो अभी पैसे देते हैं इनको। ये 100 रुपये का था और मैंने 90 रुपये का ख़रीदा है इनसे, तो पैसे देकर अभी जाएंगे फिर घर को वापस। तो स्टैंड तो ये इधर मैंने ले लिया है, तो अभी मैंने सोचा कि कल को जुम्मा है फिर काम पर चले जाना है सुबह सुबह, तो टाइम नहीं लगना, तो इसलिए मैंने कहा कि बाल थोड़े थोड़े सेट करवा लूँ, तो जुम्मा भी है कल को, तो अभी मैं इसलिए इधर हमाम पर आ गया, तो बाल सेट करवा कर फिर चलते हैं घर को वापस।
स्टैंड में लेकर आ गया हूँ, तो अभी इधर लगाते हैं। ये रास्ते में आते आते मैंने कील भी दो खरीद लिए थे, इसके साथ इधर अटैच होंगे तो अच्छा लगेगा काफ़ी। तो अभी इसको करते हैं काम के शुरू। तो अभी ये कील पहले मैंने लगा लिए थे, ये तार के टूट ना जाए थोड़ी की वजह से, तो अभी इसको इधर लटकाते हैं। तो ये देखें स्टैंड इधर लग गया है, तो अभी फ़ोन चार्ज पर लगाते हैं और देखते हैं कैसा नज़र आता है इधर से स्टैंड, अच्छा भी लगता है इसको कि नहीं। तो अभी लगाते हैं फ़ोन चार्जर पर। तो ये फ़ोन चार्जिंग होने लग गया है फ़ोन मेरा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें स्टैंड लग गया है फ़ोन का, मोबाइल भी वीवो का है तो वीवो ही ऊपर लिखा हुआ है, तो अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। लकड़ी का यह बना हुआ है तो प्यारा लग रहा है, इसकी वजह से अब ना फ़ोन के गिरने का खतरा है, ना ये सोफ़े को, ना किसी और चीज़ को आगे पीछे करने की ज़रूरत है। आसानी से आएँ और अपना फ़ोन इसमें चार्ज लगाएं तो ना गिरेगा ना फ़ोन टूटेगा। पहले भी एक दो दफ़ा फ़ोन की स्क्रीन ऊपर से इसी वजह से इधर से गिर कर टूट गई है, तो अभी ये स्टैंड लग गया तो अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने जाना है गुड़ लेने, उधर से आपको बताया था कि लाना है बेचने के लिए गुड़, तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, तो चलते हैं फिर। ये इधर गुड़ का बोरा मैं लेकर आ गया था, तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं शूट की कि यार उधर फैमिली बैठी होती है उनके घर के पास, तो फिर ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता, तो गुड़ मैं लेकर घर आ गया। तो गुड़ लेकर अभी मैं वापस आ गया हूँ, तो बात कहाँ से किधर तक पहुँच गई। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को और अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो अपने दोस्त मीर साद को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।